सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच है पी सच नानक होसी पी सच हे प्राणनाथ गोविंद है कृपा निदान जगद गुरु हे संसार ताप हरण है करुणा में सब दुख हरो हे शरण जोग दयाल है दीना नाथ मया कराओ शरीर स्वस्थ खीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधव अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवे परम गत मेरी जलन बुझी शीतल होए मनुआ सतगुर का दर्शन पाए जियो हमे अदृष्ट शुभ कर हर अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सब बल सदा सुख मन वसे दुख संसार खोवे गुर नव निद दरियाओ जन्म हम कालख धोवे सो कहो टल गुर सेविया एहनिस सहज सुभाए
दर्शन परसय गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। दर्शन परसय गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। आसा महला पंजवा, हर हर अखर दुए एह माला। जापत जापत पाए दीन दयाला, करो बेनती सतगुर अपनी, कर किरपा राखो शरणाई। मोको देहो हरे हर जपनी, हर हर अखर दुए एह माला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पतित पावन भगत वत्सल, अंतर जामी करुणा निदान गुरु गरीबन वाज, कलजोग के तारण हारे शब्द गुरु साहिब सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु खालसा साध संगत जीओ, सतगुरु जी की महान बख्शिश का सदका अमृत वेले तो महाराज सिंह जी की पावन हजूरी अंदर दीवान सजे सन। सजे हो दीवाना अंदर आप सरबत संगत हाजरियां भर के लाहे प्राप्त कर रहे हो। गरीब नवाज सतगुरु जी की अमृतमय गुरबाणी दे जाप, आसा की वार गुरबाणी का रस भिन्ना कीर्तन आप संगता ने सरवण किया है। आओ सत संगत जी होर भी कोई समा प्यार सत्कार सहित सतगुरु जी के चरणों में बैठ के जीवन दिया अमोलक घड़ियां सफलियां बनाने लई लड़ीवार गुरु शब्द दी विचार सरवण करके लाहे प्राप्त करिए। धन सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज, सतगुरु जी के चरणों में सिखां ने बेनती की है महाराज, संसार के अंदर कोई किसी प्रकार की माला का जाप करता है, कोई किसी तरह की माला का जाप करता है, क्योंकि सत संगत जी हिंदू मत के ग्रंथा अनुसार तीन प्रकार की जो माला कथन की जाती है, एक कर माला होंदी है, दूजी वर्ण माला, ते तीजी अक माला। कोई हथां दे उपर सत संगत जी गिणती करदा पोटियां दे नाल, उन्हूं कर माला किया जांदा है। फिर वर्ण माला जिवें ऊड़े अखर तो लैके डाड़े तक, वह वर्ण माला नूं किया जांदा, उन्हां दे राहीं गिणती की जाती। जो भी कोई जाप करदा, कोई नाम जपदा, सिमरन करदा, फिर अक माला हुंदी है जिवें लक्कड़ दी माला, चंदन दी माला, हाथी दंद दी माला, और इसी प्रकार किन्नियां धातां दीआं बणियां होईआं जो माला हुंदीआं नूं अक माला कह दित्ता जांदा है। हजूर दे सन्मुख हो के जदों प्रेमियां ने बेनती कीती महाराज आप जी किहड़ी माला दे नाल जाप करदे हो, और सतगुरु जी सानूं भी आप जी उपदेश देवो, जो माला आप जी महाराज लै करके जाप करदे हो सानू महाराज उपदेश देवो, असीं भी उस तरह जाप करिए।
ਗਰੀਬਨ ਵਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਕਰੋ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਹਰ ਹਰ ਅੱਖਰ ਦੁਏ ਇਹ ਮਾਲਾ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ, ਇਹ ਜਾਣੋ ਕਿ ਮਾਲਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਹਰ 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 ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਇਹ ਜਾਣੋ ਕਿ ਮਾਲਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲਾ ਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਅੱਖਰ ਦੁਏ ਇਹ ਮਾਲਾ, ਇਹ ਜਾਣੋ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਪਤ ਜਾਪਤ ਪਾਏ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹੇ, ਦਿਆਲੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੀਨ ਜਾਣ ਕੇ, ਨਿਮਰਤਾਵਾਨ ਹੋਏ ਜਾਣ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਦਿਆਲਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਚਿੱਤ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਪਤ ਜਪਤ ਭਾਏ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ, ਦੀਨ ਹੋ ਗਏ, ਨਿਮਰਤਾਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਦੀਨਾ ਬੰਧੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਰੀਬਨ ਵਾਜ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਗਤ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਔਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਸਿੱਧ ਹੋ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੂਦੜੀ ਕਰਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਾਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਗਰੀਬਨ ਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਰਣ ਮਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਰ ਮਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਅੱਕ ਮਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਾਧਨ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ।
पर बहु पक्ष दे भी सत संगत जी साढ़े कुछ प्रचारक वीर कुछ प्रेमी जन इस गल का दावा प्रगटाने का यतन करते हैं कि जेड़ा माला लैके नाम जपना बड़ा वड्डा पखंड है, कर्म कांड है, एक कर्म कांड है। तो सतगुरु जी ने कर्म कांडा की निखेधी की है गुरबाणी अंदर। कर्म कांड करन दे नाल जीव नू फल नहीं प्राप्त हुंदा। ठीक है सत संगत जी, कर्म कांड कीते तो बिना जेड़ा इस संसार दे अंदर जीव है ये जिमें जिमें कर्म कांड करता उदा फल नहीं प्राप्त हुंदा। पर जे किते पखंड पाद करता विखावे दे कर्म कांड करता फिर वह ठीक है, उन्हां दे वास्ते जरूर ये विचार सही है। पर जे हिरदियों प्यार मन विच भावना दे नाल हाथ विच माला लेके परमात्मा दा चिंतन करता है, परमात्मा दा सिमरन करता है, वह साध संगत जी वह कर्म कांड ही फिर ज्ञान दे विच जाके तब्दील हो जाता है, बदल जाता है। सतगुरु जी दा गुरबाणी विच बड़ा प्यारा बचन है। महाराज साहब जी ने कुछ उदाहरण दे करके सतगुरां ने उपदेश बख्शिश किया है। ये विचार तां बेनती कर रहा हाँ कि जेड़े कोई शंकावादी शंका करते हैं कि माला दे नाल नाम नहीं जपना चाहिए, हिरदे करके परमात्मा नूं ध्योना चाहिए, माला तो एक विखावा है, तो एक कर्म कांड है। तो सत संगत जी इस कर्म कांड तो बिना सीधा डायरैक्ट परमात्मा का सिमरन करना ये असंभव है, बड़ा कठिन है, बहुत दुत्तर है। कोई विरली बंदगी वाली रूह होवे तुरों परमात्मा ने जिसनों ये दार दे करके नवाजिया होवे, जन्म समय तो ही साध संगत जी परमात्मा की बंदगी भी लीन हो करके रहे, वो एक वक्री विचार है, वक्रा विशा है। पर जो मनुख जिवें एक बच्चा हुंदा ना, बालक हुंदा, उन्हूं तुरन की जाच नहीं तो उन्हूं गडीरा दिता जाता। आप सियाने बजुर्ग मातावां बैठे हो, आपनूं पता होवेगा कि बच्चे नूं तुरन की जाच ना होवे तो उन्हूं गडीरा दिता जाता, एक सहारा दिता जाता तुरन की जाच सीखण दे वास्ते, क्योंकि अजे कोल उन्हूं तुरन की जाच नहीं, बालक नूं उन्हूं गडीरा दे दिता जाता। सहजे सहजे वह गडीरे के सहारे तुरदा तुरदा फिर जदों तुरना सीख जाता है वह गडीरे नूं छड्ड देंदा, फिर वह दोबारा गडीरे का सहारा नहीं लैंदा, वह फिर उन्हूं छड्ड देंदा है क्योंकि उन्हूं तुरन की जाच आ गई। और इसी तरह साध संगत जी परमारस के रस्ते ते भाव धर्म की दुनिया के विच कह लईए, मन जेड़ा जदों तक बच्चा है, बालक है, बेसमझ है, अजे परमारस के रस्ते ते तुरन की जाच नहीं है, क्योंकि बालक का सुभाव हुंदा है ना, जो कुछ उन्हूं अखां दे नाल कुछ है दिसदी है ना, काली दे नाल उन्हूं फड़न दा यतन करदा है, उहदे विच आकर्षित हो जांदा है, उहदे वल भज करके काली दे नाल जांदा है। ते सत संगत जी उह काली दे नाल जाण दा यतन करदा फिर डिग पैंदा है। जे गडीरा कोल हुंदा या गडीरे दे सहारे साध संगत जी चलदा फिर उहदे विच ही मस्त होया रहिंदा, फिर सहजे सहजे उन्हूं याद आ जांदी, फिर गडीरा विच छड्ड देंदा है। इदां दी मन रूप बालक की हालत है। जदों परमारस के रस्ते ते चलना शुरू करदा महाराज कहिंदे इह बालक जिहड़ा है बच्चा मन है, इहनूं तुरन की जाच नहीं है, किवें परमात्मा की बंदगी करनी है, मन की एकाग्रता किवें बनाउणी है, किवें परमात्मा के नाम के विच जुड़ना है। बार बार डिग जांदा है, कदे किसी पदार्थ, कदे किसी शै, कदे धन दौलत, संसार दे सुखां नूं देख करके हर समय उन्हां दे विच आकर्षित होया रहिंदा है, उन्हां विच परचिया रहिंदा है, जिस करके बार बार डिगदा फिरदा कदे किसी पासे डिग जांदा है, कदे किसी पासे डिग जांदा है। जिदां दा मन दे सामने कोई साध संगत जी जो दृश्य आ जांदा है उदां दा उह बार बार बणन दा यतन करदा, क्योंकि मन दा सुभाअ ही इसे तरह दा है। गरीब नवाज महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे जिवें मन रूप जिहड़ा बालक है ना, इहनूं गडीरे की तरह जी माला फड़ा दित्ती जावे ना हाथ विच, जीव दे हाथ विच माला होवे
फिर सहजे सहजे माला दे नाल जाप करदा करदा रसना तो परमेश्वर का नाम जपदा जपदा फिर हिरदे करके परमात्मा का सिमरन कर लग पैंदा है, फिर आदत बन जाती है, फिर जीव का मन जेड़ा है परपक हो जाता, तुरन की जाच आ जाती है, फिर भावें हाथ विच माला भी ना होवे फिर भी परमात्मा का सिमरन करता रहिंदा है, फिर भी परमात्मा की याद विच जुड़िया रहिंदा है, फिर सहज सहज ऐसी अवस्था बन जाती है मुख तो भावें संसार के अंदर गल्लां बातां कोई विचारां भी करता होवे पर हिरदे अंदर परमात्मा का सिमरन चल रहा हुंदा है। ये साध संगत जी गरीब नवाज महाराज सच्चे पातशाह हजूर ने जो उपदेश बख्शिश किया गुरबाणी भी सतगुरु जी दे बहुत प्यारे बचन हैं, सतगुरों ने बड़ी सोहनी ढंग दे नाल उदाहरण दे करके समझाया है। महाराज कहिंदे हन फल कारण फूली बन राए, फल लागा तब फूल बिलाए। फल दे कारण जिहड़ी बनस्पत है ना वह सत संगत वधदी फुलदी है, पर सब तो पहला वह बनस्पत नूं रुखां नूं फलां दी थां ते फुल लगदे है, सीधे फल नहीं पहला फुल लगते हैं। फल कारण फूली बन राए, फल लागा तब फूल बिलाए, फूल चले जाते फिर फल रह जाता है। और इसी प्रकार महाराज कहते धर्म की दुनिया के अंदर परमार्थक रस्ते ते चलदे होया ज्ञान कारण कर्म अभ्यास ज्ञान पया तह कर्म है नास। महाराज सच्चे पातशाह हजूर कहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए ज्ञान रूप फल पाने के वास्ते पहला मनुख जीवन दे विच कर्म कांड जरूर करता है। जे मन विच भावना प्यार होवे वो फिर फलीभूत हो जाता है, विखावे दे कर्म कांड जीव दे जेड़े आकार ते ही चले जाते हैं। महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे ज्ञान कारण कर्म अभ्यास, वो फिर बार बार अभ्यास करना पैंदा है, परमात्मा का सिमरन करना पैंदा है। जिसनों कुछ प्रेमी जेड़े साध संगत जी श्रद्धा तो हीणे हैं वह भी कहें कि तोता रटना है, बार बार जेड़ा परमेश्वर के नाम का अभ्यास करना है, शब्द का अभ्यास करना है, बार बार नाम जपना, नितनेम करना, गुरबाणी पढ़नी, जेड़ी श्रद्धा तो हीणे लोग वह भी शंके करते हैं कि यह जेड़ा बार बार है तोता रटन है। पर महाराज सतगुरु जी की गुरबाणी आख रही है ज्ञान कारण कर्म अभ्यास, बार बार पुनः पुनः परमेश्वर का नाम जपना, ज्ञान पया तह कर्म है नास। तो जो हिरदे अंदर ज्ञान का प्रकाश हो जाता है फिर कर्म कांडा रूपी फुल चले जाते, उत्थे फिर फल प्राप्त हो जाता, ब्रह्म ज्ञान रूपी फल की जीव नूं प्राप्ति हो जाती है। पर महाराज कहिंदे पहला ये आखिरकार ये कर्म कांड करना तो पैंदा ही है, हाथ विच माला लैके मन रूप बच्चे नूं रस्ते ते तोरन दी जाच सिखाउण दे वास्ते परमार्थ दे रस्ते ते किवें चलना है, पहला ये मन रूप बच्चे नूं माला फड़ाउणी पैंदी है, आदत पाउणी पैंदी है, तुरन दी जाच आ जांदी है। ते फिर साध संगत जी माला भी भावें छड्ड देंदा है पर हिरदे करके परमात्मा का सिमरन करता रहिंदा है, हिरदे करके परमात्मा की याद विच जुड़िया ही रहिंदा है, फिर जाच आ जाती है, आदत पै जाती परमेश्वर का नाम जपने की। गरीब नवाज हजूर ने साध संगत जी भगत रसना द्वारा भी गुरबाणी विच प्रमाण दिते हैं। भगत कबीर साहब जी दे जो श्लोक हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अंदर, पहले श्लोक दे विच महाराज साहब जी ने भगत रसना द्वारा उच्चारण किया, कबीर मेरी सिमरनी रसना उपर राम, आदि जुगा दी सगल भगत ताको सुख विश्राम। इस पावन श्लोक नूं समय उच्चारण किया जदों बड़ा ही चतर ते चलाक पांडा आया, कहन लगा महाराज तुसी मेरे कोल माला लै लो, इस माला दे नाल नाम जपिया करो। तो भगत कबीर साहब जी कहिंदे साडी रसना ही परमात्मा की सिमरनी है, साडी रसना ही परमात्मा की माला है, ये सिमरनी बना के परमात्मा नूं हर समय असीं जपते रहिंदे हाँ, सानूं होर माला की लोड़ नहीं है।
साध संगत कई इस पंक्ति का आधार बना के भी आख देते हैं कि भगत कबीर साहब जी ने भी तो भी यदा खंडन किया ही है माला का कि कबीर मेरी सिमरनी रसना उपर राम कि परमेश्वर का नाम जपना वाहगुरु की बंदगी करनी ये वाहगुरु का सिमरन करना साड़ी ये रसना ही माला है। कई शंकावादी इस पंक्ति का आधार बना के यदा आसरा लै करके कहते हैं कि भगत जी ने भी तो वचन किया ही है माला का खंडन किया है। साध संगत जी जे ये विचार है तो भगत कबीर साहब जी दे कांशी दे अज भी माला साध संगत जी मौजूद है। पहला भगत जी आप भी माला दे नाल ही परमात्मा का सिमरन करते रहे सन। ये मैं कोलों नहीं कह रहा, मैं भावें दर्शन आप नहीं किए उस माला दे उस अस्थान ते बाबा जी पाल संत बाबा नरेंद्र सिंह जी महापुरखों के पास एक दिन विचार चल रही सी। बाबा जी दस रहे सन कहिंदे के काफ़ी समा पहला दी गल है, असीं दर्शन किए खुद बाबा जी ने आप दसिया कहिंदे असीं खुद दर्शन किए उस माला दे 1000 मणका उस माला दा ते वड़े वड़े आकार दे मोटे मोटे मणके 1000 मणके दी माला सी जो भगत कबीर साहब जी दी याद विच अजे भी कांशी विच उन्हां दी याद विच अस्थान ते पई है। अजे भी सत संगत जी उस माला नू जो सूझवाना ने सांभ करके रखिया है जिस माला दे नाल पहला परमात्मा दा जाप करदे सन नाम जपिया करदे सन और इस प्रकार होर किन्ने साध संगत जी इतिहास दे विच तत्थ हन जिन्हां तो यह समझ पैंदी है कि माला दे नाल परमात्मा दा नाम जपना यह कोई माड़ी गल नहीं है, कर्म कांड नहीं है, बहुत चंगी गल है मन नूं चंगे पासे लाउण दे वास्ते। साध संगत जी अमर शहीद बाबा दीप सिंह साहिब जी दा हथ दा सिमरना सरबलोह दा सिमरना दमदमा साहिब की पावन धरती ते आपने अस्थान ते जा करके दर्शन कर लैने जिथे भोरे विच बैठ के बाबा दीप सिंह साहिब जी जो हाथ लिखत जेडे अपने हथी सरूप लिखण की सेवा करिया करदे सन उत्थे जिथे घड़े मौजूद है ना साध संगत जी उन्हां दा सिमरना भी मौजूद है सरबलोह दा सिमरना बाबा दीप सिंह साहिब जी दा वो भी सिमरने दे नाल परमात्मा दा नाम जपिया करदे सन। जे सिमरना है तो परमात्मा दा नाम भी उहदे नाल जपदे ही होणगे ना, इस गल नूं थोड़ा कुछ उठला सकता है। फिर साध संगत जी इतिहास दे विच भी सतगुरां दे सिमरनियां दे बाबत जिक्र आउंदा है। धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज मीरी पीरी दे मालक दाता सतगुरु जी जिस समय लोहगढ़ का भयानक युद्ध होया ना अमृतसर साहिब की पहली जंग हुई है, इस जंग तो पहला साध संगत जी कविराज भाई संतोख सिंह जी ने जिक्र किया कि जो मुगल खान पठान चढ़ाई करके आया उस समय बीबी वीरू जी का आनंद कारज का समा सी, घर विच बहुत तरह तरह के पकवान तैयार हो रहे सन, काबुल देश तो सिख संगतां चल के आईया तो वो भुखिया सन, सिख संगतां प्रशादा जे तैयार नहीं सी होया तो महाराज जी ने सिख नूं भेजिया कि जाओ माता जी नूं कहो कि जिहड़े पकवान तैयार हन वो सिखां दे छकण दे वास्ते कुछ पकवान भेज देण। तो माता जी ने इनकार कर दिता कि पहला ये बराती छकणगे फिर सिखां नूं बाद विच दवांगे। तो महाराज जी ने सुभाविक ही वचन किया कहिंदे कि सिख साडा परिवार हन, जे सिखां दे छकण दे योग नहीं हन तो फिर बराती भी आके नहीं छकणगे, इन्हां नूं मलेश आ करके तुरक आके खाणगे। अजिहा ही होया साध संगत जी जो ऐसी कला वरती मुगल खान पठान चढ़ाई करके आया तो उन्हां दिनां दे विच ही बीबी वीरू जी का आनंद कारज का समा सी। उस समय साध संगत जी चबाल दे विच फिर आनंद कारज होया सी बीबी वीरू जी का, जिन्हें भी सिख सन मातावां सन उस समय सतगुरु जी की सहत हो करके बाहर चले गए तो बीबी वीरू जी उस समय घर दे विच ही रह गए सन, दरवाजा बंद सी, सारे पासियों तुरकां ने मलेशां ने घेरा पा लिया सी। ते गरीबन वाज सतगुरु जी अजे जा रहे सन, रस्ते विच चबाल नगर विच नहीं सन पहुँचे,
ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਘਰੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਸਿੰਘਾ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਬਕ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਿੰਘਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਾਬਕ ਬੜੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸੂਰਮੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸਿਮਰਨੀ ਲਾ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਮਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲਾ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓਗੇ ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸਾਡੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਰੱਖਣਗੇ ਉਹ ਮਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਓਹਲੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਛਪਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਵ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਸਿਮਰਨੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਨ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਭੇੜ ਵੀ ਹੋਇਆ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵੀ ਹੋਇਆ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਿਮਰਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਾਲਾ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਕੇ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਖਾਵਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬੇਸਮਝਤਾ ਹੈ ਗਰੀਬਨ ਵਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜੂਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਹਰ ਹਰ ਅੱਖਰ ਦੋਏ ਇਹ ਮਾਲਾ ਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਾਣਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਜਾਣਨਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਲਾ ਹੈ ਜਪਤ ਜਪਤ ਭਏ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਦੀਨ ਨਿਮਰਤਾਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਦਿਆਲਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ ਗਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਦੇ ਗਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋੜ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਪਤ ਜਪਤ ਭਏ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨਵੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਰ ਹਰ ਅੱਖਰ ਦੋਏ ਇਹ ਮਾਲਾ ਦੋਏ ਨਾਮ ਦਵੈਸ਼ ਦਾ ਹੈ ਈਰਖਾ ਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੋਏ ਦਵੈਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਨਾ ਈਰਖਾ ਵਾਲੀ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਮਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਪਤ ਜਪਤ ਭਏ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ਜਪਤ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਬਲ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਐਸੀ ਦਇਆਲਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀਨਤਾ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਪ੍ਰਬਲ ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਜਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬਨ ਵਾਜ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੇ ਗਰੀਬਨ ਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਰਦਾਸ ਜੋਦੜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੋ ਸਰਣਾਈ ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਦਰ ਦਰ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦਰ ਤੱਕਦੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਤੱਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੋ ਸਰਣਾਈ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਕਰੋ ਐਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ ਮੋਕਾ ਦੇਹੋ ਹਰੇ ਹਰ ਜਪਨੀ ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੀ ਜਪਨੀ ਐਸੀ ਨਾਮ ਦੀ ਮਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੋ ਜੀਵਨ ਪਰਯੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਪਣੇ ਯੋਗ ਜਾਪ ਜਪਦੇ ਰਹੀਏ ਹਿਰਦੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਐਸੀ ਜਪਣੀ ਐਸੀ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਮਾਲਾ ਨਾਮ ਦੀ ਮਾਲਾ ਦੇ ਦੇਵੋ
जिसनों हिरदे रूप कंठ दे विच महाराज परो के रख लईए, हिरदे दा महाराज शिंगार बना के रख लईए, ऐसी साडे ते किरपा करो महाराज, साडे मन नूं अपने चरणा दे नाल जोड़ करके रख लाओ, और हर थावां ते महाराज नाल निभण वाली नाम रूप जपनी सानू किरपा करके बख्शिश कर देवो जी। रहाओ विश्राम दे के हजूर फरमाउंदे हन, हर माला और अंतर तारै, हे जीव परमेश्वर दी नाम रूप माला अपने हिरदे विच धारण करके रख, क्योंकि जिन्ना ने परमात्मा दी नाम माला अपने हृदय अंदर धारण कीती है, जन्म मरण का दुख निवारै, उन्हां दा जन्म अते मरण दा परमात्मा ने दुख निवृत्त कर दिता है, परमेश्वर ने जन्मन मरण दा भयानक दुख नाश कर दिता है, जिन्हां ने वाहिगुरु दी नाम माला नूं हिरदे विच धारण कर लिया है, परमेश्वर दी नाम माला नूं वाहिगुरु दे सिमरन नूं माला बना के अपने हिरदे अंदर कंठ विच परो के रख लिया है, हिरदे नूं शिंगार बना करके रख लिया है, परमात्मा ने उन्हां दा जमन मरण दा भयानक दुख नाश कर दिता है। हिरदा समालै मुख हर हर बोलै, जो गुरसिख हिरदे करके परमात्मा दा सिमरन करदा है अते मुख हर हर बोलै, मुख तो भी हरि परमेश्वर दा नाम बोलै उचारण करदा है, जपदा है, हिरदे करके सिमरन करदा है, मुख तो अपनी रसना तो प्रीत रूप रसना दे नाल परमात्मा दा नाम जपदा है, बोलदा है, उचारण करदा है। सो जन इत उत कतहे ना डोलै, ओ परमात्मा दा प्यारा दास वाहिगुरु जी दा जन, इत उत ऐस लोक विच उत परलोक विच किते भी डावां डोल नहीं हुंदा, और इस प्रकार ये मात लोक विच और ब्रह्म लोक विच जिन्ने भी माया दे सुख हन, इन्हां सुखां दे देख करके वह गुरमुख जन दा मन डावां डोल नहीं हुंदा, इत मात लोक जां स्वर्ग लोक ये सब संसार दे सुखां नूं देख करके गुरमुख प्यारा कदे भी हिरदे करके डोलदा नहीं है, जो रसना तो भी नाम उचारण करदा है, हिरदे करके भी परमात्मा जी दा सिमरन करदा है, सो जन इत उत कदे ना डोलै, महाराज कहिंदे ओ इधर उधर कदे भी डगमगाउंदा नहीं, भावें जिन्ने मर्जी उस गुरमुख जन नूं लालच दिते जाण, जिन्ना मर्जी उहदे मन नूं साध संगत जी हिलाउण दा यतन कीता जावे, जिन्ने मर्जी संसार दे सुखां दे विशे सुखां दे प्रतक माइकी सुखां दे लालच देण दा यतन कीता जावे, पर जिस हिरदे अंदर भी परमात्मा दी याद है, रसना तो भी परमात्मा दे गुण गाउंदा है, महाराज कहिंदे सो जन इत उत कतहे ना डोलै, वह ऐसी हिरदे दी अडोलता बन जाती है, सुमेर परबर दी तरह हिरदे करके अडोल बन जाता है, उन्हों को ढुला नहीं सकता, जिन्ना मर्जी को यतन कर करके देख लवे। सत संगत जी, समय धन गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज हजूर दिल्ली विच गए हैं ना, औरंगजेब की सभा दे विच किन्ना यतन किया सी औरंगजेब ने कि महाराज तुसी इस्लाम धारण कर लाओ, इहदा ये विचार सी कि जे एक मनुख दे इस्लाम कबूलन दे नाल सारे हिंदू अपने आप मुसलमान बन जाते, दे नाल सस्ता सौदा होर केड़ा हो सकता है, ते हर एक यतन कीता है लालच देण दा प्यार दे नाल, फिर किन्ना किन्ना यतन कीता, डराया धमकाया, मौर दे डरावे भी देण दा यतन कीता कि तुहानू फिर शहीद कर दिता जाएगा, पर महाराज हजूर दा इको जवाब सी कि अपने धर्म दे विच ही शहीद होना, अपने धर्म दे विच रह के शरीर त्याग देना ये सब तो चंगा है। हे औरंगजेब, जे होर धर्म नूं धारण करके मौत नहीं आउणी, शरीर त्यागना नहीं, फिर सानूं दस। कहिंदा महाराज ये तां नहीं हो सकता, ते फिर साध संगत जी इत्थों तक लालच दिते, कहिंदा कि तुहानूं बादशाह मैं थाप देवांगा, मैं केवल नाम दा ही बादशाह होवांगा, तुहानूं बादशाह ही दे देवांगा, ते महाराज कहिंदे वी इहदी सानूं कोई लोड़ नहीं है,
याद रख ये बादशाह गुरु नानक पातशाह के घर के ही तेरे वडेरिया प्राप्त हुई सी, फिर भी बड़ा सदया, फिर होर भी किन्ने किन्ने लालच दिते। कहिंदा महाराज इतों तक गिरी हुई गल भी इसने आख दी, कहिंदा महाराज हे सतगुरु जी मैं अपनी सकी बेटी का तुहाडे नाल नाता जोड़ देंदा, रिश्ता कर देवांगा, तुसी एक बार इस्लाम कबूल कर लो। तो महाराज कहिंदे जिस गंदगी का सानू तू लालच देंदा पिया, ये जो गंदगी है, शरीर है, तन है, जिदा तू लालच देंदा पे, भी किहड़ा सदा रहने वाला है। गरीब नवाज महाराज जी ने बहुत यतन की सन औरंगजेब ने, पर जिस हिरदे अंदर और रसना ते परमेश्वर का नाम है, सो जन इत उत कत ही न डोलै। ये तो गरीब नवाज सतगुरु जी की बात है, सतगुरु जी के सिखां भी कोई साध संगत जी डुला नहीं सकता, भावें जिन्ना मर्जी कोई यतन करे। जे हिरदे अंदर भी परमात्मा का सिमरन है, रसना तो भी रब के गुण गाँवदा है, भावें जिन्ने मर्जी को लालच दे लवे। गढ़ शंकर दे विच साध संगत जी भाई तिलकू सीना, धन गुरु अर्जन देव साहिब महाराज जी का प्यारा गुरसिख महेशे जोगी ने सारे लोगों में रौला पा दिता। कहिंदा कि जेड़ा मेरे दर्शनां वास्ते आवेगा, तरह तरह के उपहार लैके आवेगा, किसी नूं 6 महीने का कह दिता, किसी नूं 1 साल का कह दिता कि स्वर्गां दे वी सुख मिलेगा जेड़ा मेरे दर्शनां वास्ते आवेगा। ते लोकी ते साध संगत जी फिर सत बना बना करके, लोकी तो बड़े इकट्ठ बना बना करके पुज करके उहदे अस्थान ते पहुँचन लग पए। फिर भेटावां दे पदार्थां दे वस्तुआं दे अंबार लग गए। फिर उसने पूछिया अपने चेलियां नूं, कहण लगा कि इस गढ़ शंकर दे इलाके विच कोई बंदा रह तां नहीं गया जिहड़ा मेरे दर्शनां वास्ते ना आया होवे। हंकार सी ते कहण लगे बाकी तां सारे लोग आ गए ने, हे जोगी जी एक गुरसिख है धन गुरु अर्जन देव साहिब महाराज जी का सिख, जो महाराज तुहाडे दर्शन वास्ते नहीं आया। तो फिर उन्हें लालच देन वास्ते कहिंदा जाओ उन्हें कहो कि तेनू 2 सालों के वास्ते स्वर्गां का सुख देवांगा। फिर 3 सालों का किन्ना किन्ना ये लालच दिते गए, पर भाई तिलकू जी कहिंदे मैं ये दर्शन करके मैनू की लोड़ है स्वर्गां विच जाण दी। गरीब नवाज मेरे सतगुरु जी पूरे हैं, महाराज सच्चे पातशाह मैनू मुक्त करने वाले हैं, अपने सिखां दी कल्याण करने वाले। मैं स्वर्गां दा सुख लैके फिर संसार में जन्म धारण करदा फिरंगा, मैं ते मत्थे तक भी नहीं लगना। फिर साध संगत जी आप महेशा जोगी चल के आया, दरवाजा खड़काई जावे, भाई तिलको दरवाजा खोल, मैं तेरे दर ते चल के आया, इतों तू दर्शन कर लै, स्वर्गां दा सुख मिल जाएगा। ते अगों ना कर दिती, कहिंदे जा जा तू अपने थां ते चला जा, मैं नहीं तेरे मत्थे लगना चाहुंदा, मैं तेरे दर्शन करके की लैणा, मैं अपने सतगुरु जी दी दीदार परसदा रहिंदा हाँ, जो कल्याणकारी महाराज जी दे दर्शन हन। फिर आखिरकार सतगुरु जी का वास्ता पाया, कहिंदे तेरे गुरु का वास्ता, एक बार दरवाजा दा खोल, मेरे नहीं दर्शन करने ते मैनू अपने दर्शन करवा दे। सतगुरु जी का वास्ता पाया, फिर भाई तिलकू जी ने दरवाजा खोलिया सी, ते साध संगत जी महेशे जोगी नूं फिर महाराज जी की शरण दे विच भी लै करके आया सी कि तेरा गुरु कौन है, जिस गुरु ने तेनू इन्ना पक्का सिदक दिता, सारे गढ़ शंकर दे इलाके दे लोग मेरे दर्शनां वास्ते आ गए है, स्वर्गां दे सुख दे लालच दे अधीन हो के, तेरा गुरु कौन है, मैनू उहदे दीदार तां करवा। फिर सतगुरु जी की शरण में लै करके आया सी। साध संगत जी महाराज कहिंदे हन जो हिरदे अंदर भी परमात्मा का सिमरन करदा, सो जन इत उत कत ही न डोलै, वो इस मातलोक ज स्वर्ग लोग ब्रह्म लोग दे सुखां नूं देख करके कदे डगमगाउंदा नहीं है, हिरदे की अडोलता उसकी बनी रहती है। वजीद खान ने साहमजादा बाबा जोरावर सिंह जी, साहमजादा बाबा फतेह सिंह साहब जी नूं किन्ना यतन कीता सी कि तुहानूं हूरां वर्गे सुख इत्थे ही संसार दे अंदर ही प्राप्त होणगे, तुहानूं नवाबियां दित्तियां जाणगियां, स्वर्गां वर्गे सुखां नूं इत्थे भोगोगे, तुहाडे अधीन किन्नी किन्नी फौज होवेगी,
पर सब कोई साध संगत जी जुत्ती दी नोक दे नाल ठुकरा दिता सी साहिबजादिया जी ने। भावें छोटी जी आरबला 5 और 7 साल की आरबला है, पर हिरदे की अडोलता सी, क्योंकि हिरदे अंदर भी परमेश्वर का नाम, रसना तो भी परमात्मा का नाम सीगा। डुला नहीं सके किन्ना किन्ना यतन किया सी। और साध संगत जी वक्त की गल करिए, 84 दे समय जदों श्री हरिमंदर साहब अकाल तख्त साहब दे अटैक करना सी ना गौरमेंट ने, उहदे तो पहला श्री मान संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले महापुरखां नूं बहुत लालच दिते गए सन, अरबां रुपईए करोड़ां अरबां रुपईए दे साध संगत जी लालच दिते गए कि एक बार तुसीं इह हरिमंदर साहब नूं छड्ड के बाहर आ जावो, इत्थों तक कि तुहानूं मुख्यमंत्री भी बना दिता जाएगा, जिस भी किसी देश में चाहो अपनी आज़ादी के नाल तुसीं फिर सकोगे, तुहानूं कोई रोकेगा नहीं, कोई गिरफ्तार नहीं करेगा, पर एक बार साड़ी रह रह जावे इस हरिमंदर साहब नूं छड्ड के बाहर आ जावो। पर साध संगत जी गरीब नवाज महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे हन, जिस हिरदे अंदर भी परमेश्वर का नाम हुंदा है ना, हिरदे अंदर भी परमेश्वर का नाम ते मुख हर हर बोलदा, मुखों भी परमेश्वर का नाम जपदा, गुरबाणी पढ़दा, सो जन इत उत कत ही ना डोलै, वह कदी डगमगाउंदा नहीं है। साध संगत जी इहो महान गुरु के प्यार वाले सिखां दे जीवन हन जिन्हां ने सतगुरु जी दे चरणां दा आसरा लिया है, ओ कदा चित भी हिरदे करके डोलदे नहीं हन। कहो नानक जो राचा नाए, श्री गुरु अर्जन देव साहिब महाराज फरमाउंदे हन, जो परमात्मा दे नाम दे विच रचिया रहिंदा है, एकमिक हो के रहिंदा है, परमात्मा दे नाम दे नाल चित बिरती नूं जोड़ के रखदा है, सुरती नूं परमात्मा दी सिमरन दे विच जोड़ के रचा के रखदा है। हर माला ताकै संग जाए, हरी परमेश्वर दी नाम दी माला ही ओ जीव दे नाल अंत समय जांदी है। हर माला ताकै संग जाए, जेड़ी संसार दी प्रतक माला है ओ तां भावें नहीं जांदी, पर परमेश्वर की सिमरन की वाहगुरु की नाम की जो माला जीव ने हिरदे अंदर धारण की है, वह अंत समय जीव के नाल जरूर जाती है, वह अंत समय जीव की सहायक बनती है, जमा की मार तो बचाती है, संसार के जमण मरण के गेड़े विच पैण तो बचाती है, वाहगुरु की नाम की माला ही अंत समय जीव दे नाल जांदी है। आसा महला पंजवा, जिसका सब किछ तिसका होए, सतगुरु जी बख्शिश करते हैं, जिस परमात्मा का जीवन के अंदर सब कुछ बख्शिश किया है, उस परमात्मा का जेकर यह जीव दास बन जाता है, हिरदियों गरीबी धारण करके निम्रतावान होकर परमात्मा नूं चेते करता है, हिरदे की गरीबी बना के कि महाराज सब कुछ आप जी का बख्शिश किया है, परमात्मा के उपकार चेते कर करके वाहगुरु के गुणा नूं याद कर करके परमात्मा का दास बन जाता है। तिस जन लेप ना व्यापै कोई, उस जीव नूं ना पाप दा ना पुन दा कोई लेप संसार दा नहीं लगदा, ना तो वह पाप कर्मां दे विच प्रवृत्त हुंदा है, ना पुन्नां दे विच, वह केवल परमात्मा की याद विच जुड़िया रहिंदा, परमात्मा दा सिमरन करदा रहिंदा है, वाहगुरु का नाम जपदा रहिंदा है, संसार दे अंदर भावें को पापी है चाहे पुन्नी है, किसी भी तरह का सुभा का जीव कोई उन्हां दी संगत करदा है, महाराज कहिंदे उन्हां दा भी भला हो जाता है, उहदे उपर कोई असर नहीं पैंदा, जो परमात्मा का सच्चा दास बन जाता है, वाहगुरु की बंदगी विच लीन होके रहिंदा है। हर का सेवक सद ही मुक्ता, परमात्मा का सेवक वाहगुरु का दास सदा ही जीवन मुक्त हो करके रहिंदा है, सद ही मुक्ता जीवन पर वह मुक्त रहिंदा है, आजाद होके जीवन निर्वाह करदा है, जीवन विच पैण वाले जो बंधन हन रुकावटां हन तिन्हां तो आजाद होके रहिंदा है। महाराज कहिंदे ऐसी परमात्मा की बख्शिश है जो वाहगुरु का सेवक बन गया,
हिरदे हो के परमात्मा की भगती रूप सेवा करता है, परमात्मा की बंदगी रूप टहल कमावदा है, वो जाणो कि जीवन मुक्त हो गए है। सद ही मुक्ता, कोई बंधन आ के उन्हू अपने अधीन नहीं कर सकता। जगत की मोह ममता का ज संसार के औगणा का पाप करमा का पाप करमा की मैल का कोई बंधन नहीं उन्होंने आके व्यापदा। जिस हिरदे अंदर परमात्मा की याद है, जो अकाल पुरख वाहिगुरु जी का सेवक बन गया है, जो किछ करै सोई पाल जान कै, जो कुछ भी परमात्मा जीवन विच करदा है, जो कुछ भी जीवन के अंदर बख्शिश करदा उन्हों भला करके मनदा है कि महाराज इहदे विच मेरा भला है। जीवन अंदर दुख मिलिया है, सुख मिलिया है, मान मिलिया है, अपमान मिलिया है, निंदिया होई है, चाहे उस्तत हो गई है, महाराज कहिंदे परमेश्वर दा भाणा जान के उन्हूं भला करके मनदा है। आत निरमायल आत निर्मल दास की जुगता, कि जिहड़ी वाहिगुरु दे दास दी जुगती है ना, जीवन जीवन दा जिहड़ा ढंग है, जुगती है, आत निर्मल अतशे करके बहुत उज्जल हुंदी है। क्योंकि गुरमुखां दे साध संगत जी जो हिरदे अंदर हुंदा है वह कुछ उन्हां दी रसना ते हुंदा, इह सुभाविक है। जो कुछ मनुख दे अंदर हुंदा वह कुछ ही बार बार भावें जिन्ना मर्जी यतन करदा छुपाउण दा रसना ते आ ही जाणा करदा। ते हजूर कहिंदे गुरमुखां दी जिहड़ी जुगता जीवन जुगती है ना, वह निर्मल है, आत निर्मल बहुत ज़्यादा उज्जल हुंदी है। गुरमुखां दा जीवन भी उच्चा सुचा हुंदा है। जो परमात्मा दे सेवक बनते हैं, परमात्मा की बंदगी करते हैं, उन्हों का जीवन उज्जल हो जाता है। परमात्मा की भगती रूप सेवा करन करके, परमात्मा की बंदगी करने करके, वो हिरदे करके निर्मल हो जाते हैं। रहाओ विश्राम दे के हजूर फरमाते हैं, सगल त्याग हर सरणी आया। जो मनुख संसार दे सारे आसरे त्याग के, हर एक आसरा छड के ते परमात्मा दी शरण दे विच आ गया है। क्योंकि साध संगत जी कोई धन दा कोई पदार्थां दा आसरा लैंदा है, कोई परिवार का कोई सके संबंधियों का आसरा लेंदा है, कोई अपने शरीर का आसरा लेंदा है, कोई अपने इंद्रियों का आसरा लेंदा है, पर महाराज कहिंदे जिन्हें भी संसार के आसरे हैं ये सब झूठे जान के, सब संसार के जेड़े हैं ये मिथ्या जान करके जो परमात्मा की शरण में आ जाता है, गरीब नवाज सतगुरु जी दे चरण आके फड़ लैंदा है। तिस जन कहा व्यापै माया, उस वाहिगुरु दे दास नूं भला माया किवें व्याप सकती है, कहां व्यापै माया, कहां कित्थों आके माया व्याप जावेगी, किस पक्षों आ करके माया अपने अधीन कर लवेगी। क्योंकि संसार दे अंदर जिन्हें भी संसार दे तप साधना जल तारा आदि करन वाले, जगत दे होर भी कई कई प्रकार दे साधन साधन वाले, सब संसार दे साधना करन वाले माया ने अपने अधीन कर लिया है। पर महाराज कहिंदे एक वाहिगुरु दा प्यारा बचिया, परमेश्वर दे दास दा बचाव होया, जिसने संसार दे सब आसरे छड के केवल महाराज जी दे चरणा दा आसरा लिया है। तिस जन कहा व्यापै माया, महाराज कहिंदे उस नूं किवें माया व्याप जावेगी। जिवें गुरु कलगी धर पिता सतगुरु जी दे असीं बचन पढ़दे हाँ, सगल द्वार कौ छाड़ कै गहिओ तुहारो द्वार, बाहे गहे की लाज अस गोबिंद दास तुहार। महाराज सब संसार दे द्वारे छड़ के, सब आसरे छड़ के आप जी दे चरणां दा आसरा लिया है। इथों तक कि अपने तन का इंद्रिया का सब बल महाराज आसरा छड दिता है, आप जी के चरणों का आसरा तकिया है। ऐसी महाराज कहिंदे वाहगुरु के सेवकां दे निम्रतावान परमेश्वर के दासां दे यह माया भला किवें व्याप सकती है, इस माया का प्रभाव नहीं पै सकता। नाम निदान जाके मन माहे, परमेश्वर का नाम का खजाना जिन्हां दे हिरदे अंदर है,
जिस हिरदे अंदर वाहगुरु का नाम का खजाना वस जाता है तिसका चिंता सुपना नाहे। उस जीव नू कोई चिंता सुपने विच भी नहीं आती। प्रतख तो की चिंता ने सताना, प्रतख तो की चिंता रूप चिखा ने साड़ना है। हिरदे करके महाराज कहिंदे जिस हिरदे अंदर परमात्मा की याद परमेश्वर का सिमरन वस जाता है उत्थे फिर सुपने दे विच भी बंदे नू चिंता नहीं आके सताउंदी। नहीं तो परिवार नू सामने दी चिंता, फिर किन्ने किन्ने धन पदार्थां दी प्राप्ति दी चिंता। महाराज कहिंदे इह सब मन दे अंदर चिंतावां बनियां रहिंदियां। कारज दे वी सफलता दी चिंता, जो कारज आरंभे हन उह सफले हो जाण, कोई विघन ना पवे, उह मन दी वी चिंतावां बनियां रहिंदियां हन। पर सतगुरु जी कहते हैं ये सब चिंतावां परमात्मा दूर कर देता है। अपने प्यारियों सुपने मात्र भी चिंता नहीं आउण देता। नाम निधान जाके मन माहे, तिस को चिंता सुपने नाहे। सुपने मात्र भी, सुपने विच भी सुत्या होया भी कदे चिंता नहीं आके सताउंदी। नहीं तो सुपने विच भी बरड़ा के कई बार बंदा भुब्बा मार मार करके रो रहा हुंदा। किन्निया किन्निया त्रेड़ियां आ रही होंदियां चिंता करके, दुखी हो रहा हुंदा है। पर परमेश्वर दे प्यारे नूं महाराज कहिंदे प्रतख तां की सुपने करके भी चिंता दा दुख सता नहीं सकदा। कहो नानक गुर पूरा पाया। सतगुरु जी कहिंदे जिन्हां नूं जीवन दे विच पूरे सतगुरु जी नूं पा लिया है, पूरे सतगुरु जी दी जीवन में जिन्ना नु प्राप्ति होई है। परम मोह सागल बिन साया। उन्हां दी मत दा भरम रूपी पड़दा परमात्मा ने नाश कर दिता है। शरीरां दा मोह भी परमात्मा ने नाश कर दिता है। केवल परमेश्वर दे चरणां दा प्यार, केवल वाहगुरु की याद हिरदे अंदर वसी रहती है। आसा महला पंजवा, जौ सो प्रसन्न होयो प्रभ मेरा। हजूर कहिंदे हन कि जुग्यासु परमात्मा का चिंतन करता है, परमात्मा का सिमरन करता रहिंदा है। जदों गरीब नवाज सतगुरु जी की प्रसन्नता प्राप्त होंदी है तो महाराज दया दे घर विच आके जीव की त्रुट करके बख्शिश कर देंदे हन। क्योंकि साध संगत जी कई बार असीं दावा करते हाँ, कई बार असीं शंका करते हाँ कि बहुत समा हो गया सानू नितनेम करदे आ, गुरबाणी पढ़दे आ, सेवा सिमरन करदे आ, पर साडा अजे तक बनिया कुछ नहीं, सानू कुछ प्राप्ति नहीं होई। पर साडा कोई जोर भी तो नहीं है ना, मालक दे अगे भिखारी का कोई जोर थोड़ा हुंदा है। एक दाता है, वो दाते की मर्जी है, मालक की मर्जी है भिखारी की झोली विच खैर पाउणी है कि नहीं पाउणी। वो पहला देखता है कि किदां दी भावना दे नाल याद करदा, फिर जिन्नी को झोली अड़दा उन्नी को दात पा देंदा। जिन्नी कोई शरदा रूप झोली अड के मंगदा उन्नी वड्डी परमात्मा दात पा देंदा है। सो हजूर कहिंदे हन परमात्मा जो सो प्रसन्न होए प्रभ मेरा। जदों कहिंदे परमात्मा ने साडे ते विशेष करके प्रसन्न होना कीता, परमात्मा ने साडे हिरदे दी भावना देख करके वाहगुरु ने त्रुट जाना कीता है। ता दुख परम कहो कैसे नेरा। ता फिर जम्मन मरण दा अज्ञान भरम दा दुख भला किवें नेड़े आ सकता है। जे परमात्मा प्रसन्न हो गया, परमात्मा त्रुट करके हिरदे अंदर आके निवास कर लिया, फिर संसार दा जम्मन मरण दा दुख प्रतक भी दुख भरम अग्ञान भरम आदिक भला नेड़े किवें आ सकते हैं। जिथे परमात्मा ने आके निवास कर लिया उथे संसार दे दुख भरम अग्ञान इत्यादिक महाराज कहिंदे सब छड करके भज जांदे हन। सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी। हे परमात्मा, आप जी की शोभा आप जी की वडियाई सुन सुन के महाराज असीं जीवित भाव विच रहिंदे हां। मोहे निर्गुण का लेह उदारी। इसलिए महाराज मैनू गुणा तो हीणे नू आप कृपा करके उदार कर लो। महाराज मेरा भव सागर तो पार कर पा बेड़ा पार कर देवो।
बार बार पता नहीं किन्ने को जन्म हो गए हैं, बार बार जमन मरण रूपी गोते खा रहे हाँ, पता नहीं किन्ने को जन्म हो गए ने संसार दे अंदर जन्म धारण किए हुए। हुण आपने महाराज कृपा की है, अपने चरणों के नाल जोड़िया है, कृपा करके महाराज साढ़े ते ऐसी बख्शिश कर देव मोह निर्गुण कहो लेह उधारी। महाराज मैनू गुणा तो हीणे नू कृपा करके संसार तो तार देव, भवजल विच डुबदिया होइआं नू महाराज अपने नामरू बेड़े का सहारा दे के सानू पार कर देना करो। रहाओ विश्राम दे के हजूर फरमाउंदे हन, मिट गया दुख बिसारी चिंता। परमात्मा ने ऐसी कृपा कीती है, जमण मरण का अग्ञान आदिक का दुख वाहिगुरु ने मिटा दिता है, विसारी चिंता ते संसार दियां सब चिंतावां भी परमात्मा ने विसर्जन कर दित्तियां हन, सब चिंतावां भी गुरमुखां दे हिरदियों विसार दित्तियां हन। फल पाया जाप सतगुर मंता, क्योंकि सतगुरु जी दे जाप नाम मंत्र दा जाप करने करके ज्ञान रूप फल की प्राप्ति कर ली है। ब्रह्म ज्ञान रूपी फल प्राप्त होने करके संसार दे जिन्ने भी दुख झोरे चिंतावां सन मिट गया दुख बिसारी चिंता। महाराज कहिंदे सतगुरु जी दा नाम मंत्र दा जाप करन नाल हिरदे विच जिन्हां दे ब्रह्म ज्ञान रूपी फल दी प्राप्ति हो गई, सब दुख सब चिंतावां सब झोरे भरम आदिक परमात्मा ने विसर्जन कर दिते हन। सोई सात सात है सोए, हे प्राणधारी जीव ओहो ही परमात्मा सत है जो पहला सच्चा सी, हुण भी सत है जो पहला आदि काल दे भी सत सी, आने वाले समय विच भी ओहो ही परमात्मा सत होवेगा जो मूल रूप दे भी सत सी। ऐसा परमात्मा है सोई सत सत है सोए, ओहो ही परमात्मा हुण भी सच है और आने वाले समय विच भी सत होवेगा। सिमर सिमर रख कंठ परोए, इसलिए सदा सत रहने वाले परमात्मा नू सिमरिया कर, सिमरने योग परमात्मा दा सिमरन करिया कर, कंठ हिरदे विच परो के परमेश्वर दे नाम दी सिमरन दी माला बना के परो के परमात्मा दा सिमरन करिया कर। कहो नानक कौन ओह कर्मा, हजूर कहिंदे हन के ओह केड़े कर्म हन, और संसार दे अंदर वाहिगुरु दा प्यारा जन जिसने जीवन दे अंदर परमात्मा दे सिमरन दी माला बना के कंठ विच परो लई है, परमेश्वर दे नाम नू ही अपना आसरा बना लिया है, हजूर कहिंदे हन ओह केड़े संसार दे होर कर्म कांड करेगा, ओह केड़े संसार दे जाप केड़े संसार दे तप साधना करेगा, पावन कोई भी नहीं करना पवेगा, होर कोई भी संसार दा कर्म कांड जगर दी कोई तप साधना आदिक योग साधना आदिक जिन्ने भी संसार दे साधन हन परमेश्वर दे नाम दी साधना करनी करके होर कोई भी संसार दी साधना नहीं करनी पवेगी। जा कै मन वसिया हर नामा, जिन्हां दे मन विच परमात्मा दा नाम बस गया है वो केड़ी साधना करेगा, पावन करन दी लोड़ ही नहीं पवेगी। ऐसी परमात्मा दे नाम दी शक्ति है, ऐसा परमेश्वर दे नाम दा प्रताप है, जो गरीब नवाज सतगुरु जी दे नाम नूं अपने हिरदे अंदर धारण कर लैंदे ऐ, महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे उहनां नूं दुनिया दी साधन करन दी लोड़ नहीं पैंदी, ऐसी परमात्मा दे नाम दी भी शक्ति है। ये क्योंकि महाराज जी दा वचन है गुरबाणी अंदर, भावें अठाठां तीर्थां ते इशनान करने दा बड़ा वड्डा महात्म है, हिंदू मत दे ग्रंथां अनुसार फिर पुन दान करने दा भी बड़ा वड्डा फल है, पर महाराज कहिंदे इन्हां सब तो उपर परमेश्वर दे नाम दा फल है। भावें किन्ने किन्ने जग आदिक भी किन्नियां किन्नियां समग्रियां किन्नियां भेटावां किन्ना किन्ना धन पदार्थ ला के जग कीते जांदे ने उहनां दा फल अपने थां ते है, पर जे वाहिगुरु परमेश्वर दा नाम जपिया जावे परमात्मा दा सिमरन कीता जावे, महाराज कहिंदे इहदे जिन्ना फल भावें जिन्ने मर्जी लखां करोड़ां साधन कोई कर करके देख लवे
फिर भी परमात्मा के नाम की समस्त पुज नहीं सकते, फिर भी वाहगुरु के नाम के तुल नहीं हो सकते, जे भावें बहुते यत्न भी कर करके देख लवे। महाराज सतगुरु जी बख्शिश करन, पावन उपदेश साडे हिरदियां विच वस जावे, गुरु बचना की कमाई करके जीवन सफला बना सकीए। गुरबाणी की विचार करदियां होईआं बेअंत भुल्लां की खिमा, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज आप संगत बख्शनहार हो, अगाह वास्ते असीस प्यार बख्शिश करना जी। देहो सज्जन असीसड़ी आ, ज्यो होवै साहिब स्यो मेल, कहो नानक कौन ओह करमा, जाकै मन वसिया हर नामा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।